असा कोई लावा असा। और जिस वक्त ना जी वो ड्यूटी चेंज होती है ना 8 घंटे बाद गल सब मैं दस रहा था ड्यूटी चेंज होती है ना जी ते वो अगला ड्यूटी वाला जो ना रजिस्टर के उत्ते लिखता है पूछता है सारे की हाजरी लाता है मैं भी आ गया कि तू कि जुर्म चाहे ए 755 च आ गए ए 302 च आ गए हाँ जी ए जरा फलां जुर्म च आ गया फलां जुर्म च आ गया फलां जुर्म च आ गया उन्होंने कहा जी जो तो मेरा नाम आया तुम कि जुर्म च आए तो उत्थे लिखा होया मस्जिद इमाम मस्जिद इमाम ये जुर्म है इमामत करवाना जुर्म है इमामत करवाना इमामत करवाना कल सब एक बारी हो गया ये कोई जुर्म थी ना जी मस्जिद का इमाम बनना जुर्म है ना मैं क्या फिर सानू कहना पवेगा कि कोई भी बंदा कोई भी मुसलमान अपने बच्चे को कुरान का हाफिज रखना फिर सानू कहना पवेगा कोई बंदा अपने बच्चे को हाफिज कुरान ना बनावे कोई बंदा अपने बच्चे को मस्जिद का इमाम ना बनावे कोई बंदा अपने बच्चे को मस्जिद का निवासी ना बनावे कोई बंदा अपने बच्चे को अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी ना सजा देवे अगर ये काम तुसी सारे कर ले तो याद रखो दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा हालात हो चुके लम्हा फिक्री है सोचो तो सही उस गल कर साहब कि ना वो लोगों ने आख्या कि अगे शेर को वोट देते रहे ते बंदर जरा तो खड़ा हो गया ते बंदर इस बार वोट देख रहे इस बार देखिए सही बंदर वोट तो देकर देखिए मेरिया गलों का गुस्सा तो नहीं लगता कोई बंदा कहे तो पता नहीं सियासत में कौन है खुदा की कसम अगर तुसा अपनी मसाजिद के उलमा कभी तुम ये उलमा का साथ दिता होगा ना तो एम पी एम एल ए बनने वाला इस चीज से मजबूर हो जाता कि अपने पुत्र हफ्ते कुरान के मस्जिद का इमाम बनाओ फिर जरा एम पी ए का टिकट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा जो जुमे वाले दिन इतने एम पी एम एल ए बैठा नजर आता तो सारे मसले हल ना हो जाते वजह है कि असं कोई मसला हल करने की कोशिश नहीं की अस इस पास आए जी मौलिया का काम है सियासत असं तो इस चीज को फ्रेंड बनाया हालांकि इन्हों नहीं पता कि जरा फिकरा है जुमला एक कुफर के उत्ते मरनी जरा आता ना मौलिया का की काम मैं तो फिर मदीने वाले ने भी सियासत बनाई हजरत अबू बकर सदीक ने बैठ नहीं ले बोलो तुम सीधे बह के बैठ नहीं ली आप हजरत उमर फारूक ने बैठ नहीं ली उस्मान गनी ने नहीं ली मौला गनी ने नहीं ली हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन ने बैठ नहीं ली ये वही वोट है जे आखो कि मौलवी का की काम सियासत नाल जुमला किथे जाए असल गल ये कि ये जितने भी चोर है सी इन्हां दा सियासत नाल ताल्लुक नहीं सियासत जड़ी है ये इबादत है और उस बंदे नूं करनी चाहीदी है जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा डर अपने दिल दे विच रखदा फिर तब्दीली आएगी नहीं तब्दीली नहीं ना हां जी मैं गल कर रहा सां ना कहिंदे बंदे नूं वोट दे के वेख जंगल ने बादशाह सामने बंदर वोट नहीं गया ओ जनाब वोट जेड़े ने ना जी लोगों ने बंदर दे दिए जो बढ़िया मसला कि ए चीज जी ए महंगाई नहीं हो गई ए नहीं हो गई ए काम इधर चला गया ए काम इधर चला गया चलो ये सारी बर्दाश्त करते रहे तो जे वह बंदा योगियों ना रल के हजूर के गुस्ताखा की हमायत के आए तो फिर भी लोग वो नारे मार तो याद रखो जिंदे नारे मारो क्यामत वाले दिन ओदे उदाहरण उठो याद रखो तो लोगों ने पूछा यार असि सानू वोट दिते ने तेरी मेहरबानी कुछ साडा भी कर वो भज के कभी इधर चला जाए कभी दौड़ के इधर चला जाए कभी दौड़ के इधर चला जाए कभी बरतानिया चला जाए कभी चीन चला जाए कभी कतर चला जाए कभी किधर चला जाए कभी किधर चला जाए लोग आते ने वोट दिते ने उन्हें तुम्हारे वास्ते भजा करना तकलीर कर
بندے دے دل جان کی ضرورت پئی چادر گندی ہو گئی ویکھن تے چادر ہے دیکھن تے چادر ہے لیکن ہے گندی ہن دل جڑا نا جی بندے دا پہلے سفید سی او جناب داغ لگ لگ کے سیاہ ہو گیا ان کوئی نصیحت اس پہ اثر کر دی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلی شریف کے تاجدار فرما دے رہے چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لانگی چڑھے چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لانگی چڑھیا پھر حشر دے آڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا حشر دے آڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا